नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का डंका और डंडा दोनों ही चर्चित है, लेकिन अब सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। दरअसल प्रदेश में जीएसटी की छापेमारी को लेकर अफवाह फैलाई गई और इस अफवाह से लेकर सरकार को बदनाम करने की साजिश रची गई। छापेमारी को लेकर पूरे प्रदेश में व्यापारियों का विरोध शुरू हो गया। वहीं इस विरोध की आग में विपक्ष भी अब सियासी रोटियां सेकने में जुटा हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में जीएसटी के अलग अलग जोन की टीमों ने व्यापक स्तर पर छापेमारी शुरू की। वहीं छापेमारी के सवा ने पूरे प्रदेश के व्यापारियों को सड़कों पर खड़ा कर दिया। जीएसटी की छापेमारी को लेकर व्यापारियों और कारोबारियों ने विरोध के स्वर ऊंचे कर लिए। एक तरफ ललितपुर के व्यापारियों ने राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत का घेराव किया, तो वहीं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से विरोध प्रदर्शन की खबरें भी सामने आई। जीएसटी विभाग की छापेमारी औरैया, झांसी, फिरोजाबाद, ललितपुर और कानपुर समेत कई अन्य जिलों में चल रही है। ये अफवाह भी आग की तरह फैल गई। इस अफवाह ने बाजार में इस कदर हड़कंप मचाया कि देखते ही देखते पूरे मार्केट में सन्नाटा पसर गया। जिन व्यापारियों की दुकानें रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें तो कार्रवाई का डर था, लेकिन रजिस्टर्ड दुकानों के मालिकों में भी खौफ देखने को मिला। सवाल ये है कि ये अफवाह आखिर फैलाई किसने? क्यों व्यापारी सड़कों पर सरकार के खिलाफ विरोध जताने पहुंच गए, तो आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल जब से यूपी में उपचुनाव खत्म हुए हैं और सपा ने उपचुनाव में जीत हासिल की है, तभी से अखिलेश यादव के पैर सातवें आसमान पर हैं और अब सपा लोकसभा चुनाव में जीत के सपने संजोने लगी है। यही वजह है कि विपक्ष जीएसटी की छापेमारी को मुद्दा बनाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटा हुआ है। व्यापारियों की आड़ में सपा इस आग में सियासी रोटी सेकने की जो कोशिशें कर रही है, उससे सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। वहीं अखिलेश यादव ने एक ट्वीट के जरिए इस आग को हवा देने की कोशिश की, तो बीजेपी ने भी इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी। दरअसल अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि सभी व्यापारिक संगठनों को जीएसटी की पक्षपातपूर्ण छापेमारी का विरोध करना चाहिए। समाजवादी पार्टी संकट की इस घड़ी में व्यापारियों के साथ है। व्यापारियों के प्रति सरकार का ये नकारात्मक दृष्टिकोण यूपी में व्यापार को और घटाएगा। वहीं उन्नाव के पूर्वा से बीजेपी विधायक अनिल सिंह ने इसे सपा की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि सपा के लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं, अब सपा के लोग जीएसटी के इंस्पेक्टर बनकर तो नहीं घूम रहे। हालांकि अनिल सिंह के इस बयान पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में घमासान शुरू हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सपा को अपने वजूद पर इतना शक है जो बीजेपी को घेरने के लिए इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स का सहारा लेना पड़ रहा है। तो जीएसटी की छापेमारी को लेकर समाजवादी पार्टी तरह तरह के बयान दे रही है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष अब अपने पक्ष में माहौल बनाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब देखना यह होगा कि विपक्ष की इस डर्टी पॉलिटिक्स का जनता और योगी सरकार क्या जवाब देती है। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।